मैं आपने देखा हमारी लुधियाना से लेके बनारस तक की जर्नी ट्रेन के द्वारा, जिसमें हमने अपने टिकट बुकिंग और रेलवे टिकट की बुकिंग सभी चीज़ें दिखाई और कहां कहां हम जाने वाले हैं इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताया था। और आज की वीडियो में हम अपना फर्स्ट डे डिस्कस करने वाले। पहला दिन शुरू हो चुका है जो कि हम निकल चुके हैं अपने होटल से, जो आपने पिछली वीडियो में देखा है, जो मैंने बताया भी था, गंगा फौजी होम एंड रेस्टोरेंट था जो कि गदौलिया चौक से लगभग 600 मीटर की दूरी पर था। तो वहां से निकलने के बाद हम जाते हैं आगे की तरफ और बढ़ने लगते हैं अपने जो न्यू डेस्टिनेशन है दशाश्वमेध घाट, जो हमारे क्या बोलते हैं होटल से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर था। तो मैंने बोला चलो पैदल पैदल चलते हैं। बनारस की गलियों में एक अलग ही लेवल का सुकून आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे चलते हुए हम चलने लगे और लगभग 400 मीटर की दूरी तय करनी थी और उसी में हमें आई थिंक लगे थे 10 से 15 मिनट। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि जब आप वहाँ होते हो ना कि वहाँ का एक अलग ही लेवल का आपको फील होता है जो आप वीडियो के द्वारा है किसी भी वीडियो के द्वारा ना इसको फील नहीं कर सकते। तो हम धीरे धीरे चलने लगे, बहुत सारे बोलते ना चित्रकारी की होती है बनारस की गलियों में जो आपको सिर्फ बनारस में ही देखने को मिलेगा और कहीं आपको देखने को ये नहीं मिल सकता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ इस तरह की चित्रकारी। तो हम धीरे धीरे बढ़ते गए और लगभग हम पहुँचने ही वाले थे, 100 मीटर की दूरी रह गई थी दशाश्वमेध घाट की और उसी के बीच हम विश्वनाथ गली जो हमारे होटल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है और वहाँ से निकलते हुए हमने बाजार को थोड़ा कैप्चर किया। और उस दिन 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस और वो भी हमने शूट किया। और उसके बाद हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पर दशाश्वमेध घाट, और जो हमारा फर्स्ट घाट था जिसको हमने एक्सप्लोर किया। और उसके साथ ही बिल्कुल नज़दीक ही है शीतला घाट जो हमारी सेकंड घाट में से एक था। और उसके बाद हम आगे बढ़ चुके थे धीरे धीरे क्योंकि पैदल चलने का एक अलग ही आनंद था। लगभग सुबह के 10:15 हो रहे थे और 9:30 बजे हम अपने क्या बोलते हैं होटल से निकले थे, ठीक है। और धीरे धीरे पैदल पैदल चलते 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 हर एक घाट हम कवर करते गए और यहाँ पे हम अपने चौथे घाट पे आ चुके थे, मुंशी घाट जो लगभग सटे हुए को बोलते एकदम साथ ही है, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, फिर मुंशी घाट। उसके बाद हमारा अगला घाट आ चुका था दरभंगा घाट। तो ये हम लगातार 5 घाट कवर कर चुके थे और मुझे भूख तो काफ़ी लग ही रही थी पर मैं क्योंकि 10:30 हो चुके थे और मैंने कुछ खाया भी नहीं था होटल से निकलने के बाद, पर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम चलते रहते हैं क्योंकि यहाँ का एक अलग ही वाइब था क्योंकि हमारा फर्स्ट सोलो राइड थी, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने 6वें घाट मतलब कि राणा महल घाट पर पहुँच चुके थे और वहाँ पर मैं थोड़ा बैठ के थोड़ा यहाँ पर लेमन टी बहुत ही मशहूर है घाट्स की, तो मैंने वो थोड़ा टेस्ट वगैरह किया। और उसके बाद मैं फिर से पैदल आगे बढ़ने लगा अपने अगले घाट की तरफ जो जहाँ पे जाने के लिए आई थिंक ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं आपको। और 7वां घाट था चौसाठी घाट। तो हर एक घाट की ना एक अलग कहानी है और हमें थोड़ा इतिहास की नॉलेज कम है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ थोड़ा गलत हो जाए तो अच्छा लगे ना, तो इसे अच्छा है कि मैं ना ही बताऊँ। बाकी हमने जितने भी घाट थे सभी के नाम भी नीचे मेंशन किए थे, बाकी आप हर घाट को देख भी पाओगे, ठीक है, यहाँ वीडियो के माध्यम से। और ये हमारा 9वां घाट आ चुका था दिगपातिया घाट और लगभग आई थिंक हमने 14 घाट हमने आज कवर किए थे अपने 15वें दिन और फर्स्ट डे, ठीक है। और यहाँ पर जो आनंद था ना, अगर आप बैठ के किसी भी घाट पे थोड़ा सा भी फील करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर हम अपने 10वें घाट पांडे घाट से ऊपर जाते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमें भूख वगैरह लगी थी, तो हम धीरे धीरे चलने लगे क्योंकि यहाँ पे जो फेमस जगह है जैसे काशी चाट भंडार, द राम भंडार, वो ना काफ़ी लेट खुलती हैं, मतलब कि लेट खुलती नहीं क्योंकि काफ़ी दूर थी और जाना पैदल था। तो मैंने यहीं कहीं नज़दीक में ही जो जहाँ कहीं कुछ मिल जाए खाने को, ठीक है, अच्छा सा, तो मैंने बोला चलो वहाँ खा लेंगे। तब तक हम बनारस की गलियों से होते हुए अपने खाने की मुहिम को शुरुआत कर चुके थे, धीरे धीरे बढ़ते रहे बनारस की गलियों में। एक तो आपको ना बनारस की गलियों में बहुत चलना पड़ता है, अगर आप चलने वाले पर्सन नहीं हो तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप गलती से भी किसी इधर से उस गली में घुस गए और वहाँ बिल्कुल शांति है, कोई है नहीं, तो आपको बहुत समस्या होने वाली है क्योंकि गूगल मैप भी एक टाइम पर ही आपकी
मदद कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है ना, अगर कोई लोग नहीं होगा ना तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपको जाना क्या है। मैं तो इस गली से उस गली अगर कोई मिलता वहाँ पे तो मैं उनसे पूछता कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो वो लोग बताते, तो गूगल मैप आपको कहीं और ही पहुँचा देता है। तो हम पहुँच चुके थे अब धीरे धीरे बाज़ार की तरफ, और हम ढूंढने लगे कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम अच्छा सा खाना खा सकें, क्योंकि सुबह के लगभग 11 बजने वाले थे और भूख काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो धीरे 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 हमें एक जगह मिल चुकी थी और वहाँ पे हमने दो पराठे और कोल्ड ड्रिंक लेके खा लिया, जो कि हमें 80 रुपये कॉस्ट की। और हम दोबारा से दशाश्वमेध घाट की तरफ आ चुके थे और यहाँ से हमने दोबारा से अपनी, पहले हम गए थे राइट की तरफ, अब हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट इन सेंस की लेफ्ट हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा आपका शीतला घाट, और राइट हो जाएगा शीतला घाट, और लेफ्ट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ, ठीक है। और धीरे 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 हम दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ते गए, क्योंकि हमें उधर हमने आई थिंक 5 से 6 घाट कवर किए थे, इधर हम मणिकर्णिका घाट तक कवर करेंगे, क्योंकि अब बच चुके थे लगभग 12 से 1 बज चुके थे, क्योंकि मैंने बाजार को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। फिर हमने आगे जाने से पहले हमने एक बोट राइड ली जो हमें उस पार ले जाती, और उस पार हम जाके पहले हमने कैमल राइड करी जो अराउंड 50-100 रुपये कॉस्ट करती है, ठीक है। तो मैंने बोला चलो वन टाइम एक्सपीरियंस होता है तो ले लेते हैं, इसके बाद पता नहीं कब आने का मौका मिले। इसके बाद हमने हॉर्स राइडिंग भी करी, वो भी हमें आई थिंक 50-100 तक कॉस्ट करती है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना उसे पे करते हो, बाकी आप अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और दोनों राइड करने के बाद हम दोबारा, ये ना सिर्फ उस पार जाने का कॉस्ट है 50 रुपीज़, और घाट्स अराउंड 100 रुपीज़ में घुमाते हैं। तो अब हम वापस आ चुके थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, और हम लेफ़्ट साइड की तरफ चल दिए थे। और जैसे ही हम पहुँचे तो हमारा अगला घाट जो था वो था मान मंदिर घाट, जो क्या बोलते हैं दशाश्वमेध घाट के लेफ्ट पे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट के लगभग थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। तो जितना भी हो ना, पैदल चलना बहुत ही आनंद मिलता है, क्योंकि दोपहर हो गई थी और यहाँ पर मैंने सोचा था ना काफ़ी ठंड होगी, और मैंने काफ़ी हुडी वगैरह भी पहन रखी थी, पर यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो गई, अराउंड 20-25 डिग्री टेम्परेचर था, और मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी ठंड गर्मी लगेगी। तो धीरे धीरे हम बढ़ते गए अपने नेक्स्ट घाट की तरफ, जो कि था कि क्या बोलते हैं मीरा घाट। और मीरा घाट हमारा 12वां घाट था जो हमने एक्सप्लोर किया था आज के दिन। जैसे आपको हमने स्टार्ट में बताया, जितने भी हम घाट एक्सप्लोर करेंगे सभी घाट्स के बारे में हम नीचे लिखते भी जाएंगे। और अब हम आ चुके हैं ललिता घाट, और इसके जस्ट साथ में ही है आपका श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसमें हम जाके थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम काफ़ी अच्छी तरह ये डेक को क्या बोलते हैं बना हुआ है, अगर आप आते हो तो घाट्स की तरफ से जाके ना इसे एक्सप्लोर जरूर करना, क्योंकि अगर आप अंदर से जाओगे ना तो आपको फ़ोन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि फ़ोन अलाउड नहीं है, फ़ोन की पिक्चर वगैरह कैसे क्लिक करेंगे, तो आपको कॉरिडोर से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे बढ़ते रहे और थोड़े थोड़ा शूट भी करते रहे, क्योंकि हमारा हमने बोला चलो एक वीडियो भी बना लेंगे अच्छी सी। और ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना, ये है श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और यहीं है, यहीं से कॉरिडोर से आप अंदर की तरफ जाओगे। और यहाँ से हमने सोचा कि अब हम चलते हैं, क्योंकि दर्शन तो हमने आई थिंक सेकेंड या थर्ड डे करने, अपने फर्स्ट डे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे। तो हम इसके बाद हम जाते हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आज के, घाट्स को छोड़ के, वो है तिब्बत नेपाली टेम्पल, जिसे हम कहते हैं मंकी टेम्पल भी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो साइन बोर्ड में भी, तो हम धीरे धीरे बढ़ते गए और लगभग ये 200-300 मीटर की दूरी पर ही था वो। अगर आप क्या बोलते हैं ललिता घाट से आओगे तो बिल्कुल ऊपर ही है, बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ इसकी भी एक अलग ही मान्यता है। जैसे हमने स्टार्ट में भी आपको बताया था, हमारा इतिहास काफ़ी अच्छा नहीं है नॉलेज में, तो हमने ना बताने का ही प्रण लिया। और बाकी मैं आपको हर एक का एक थोड़ा सा टूर करा दूंगा, ताकि आप घर बैठे ही इसका टूर कर लो। बाकी हम इतने अच्छे क्या बोलते हैं प्रेजेंटर और एडिटर तो नहीं है, बाकी हम ट्राई करेंगे, ना ही स्टोरी टेलर है, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको जितने अच्छी तरह हो बता सकें। तो अब हम वापस आके नेपाली टेम्पल से कॉरिडोर से आगे की तरफ जाते हैं, जो कहते हैं ना एक जो घाट, अगर हम उस घाट पे नहीं गए तो बनारस जाना हमारा बेकार है, उसे कहते हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे बोलते हैं मृत्यु को
सेलिब्रेट किया जाता है, वन ऑफ द क्या बोलते हैं ना, जहाँ पर क्रीमेशन बोलते हैं 24/7 यहाँ होता रहता है। और मैं यहाँ सुबह भी आया था, दोपहर को भी आया था, शाम को भी आया था, रात को भी, चारों पहर मैंने हमेशा यहाँ पे ना लाशें जलती देखी हैं। तो एक बार ज़रूर जाना, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे आके आपको लगता है कि हाँ यार, जितना भी कमा लो सब व्यर्थ है, क्योंकि आपने एक बार तो मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े, तो हमें थोड़ी सी भूख वगैरह लग चुकी थी, क्योंकि सुबह ही खाया था, अब बज चुके थे 2-3 बज रहे थे। तो यहाँ पे आप लस्सी शॉप पे आ सकते हो, जो कि अराउंड 80-130 के अराउंड है, और काशी भंडार में आपको मिल जाएगा 30-70। और उसके बाद हम होटल गए, होटल के बाद हम आए थे अपनी श्री माँ गंगा की आरती देखने, जो आपको काफ़ी पहले आना पड़ेगा। लगभग मैं यहाँ 4:30 बजे आया था, और जो आरती स्टार्ट हुई थी लगभग 6:30 बजे। आप मानोगे नहीं, 2 से 2.5 घंटे से मैं खड़े रहा यहाँ। और आपको लगता है, आप सोचोगे ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप जब जाओगे वहाँ पर ना, आपको पता लगेगा कितनी भीड़ होती है। क्योंकि अगर आप वहाँ से जब तक चलो, मानो आप किसी दिन आरती देखने नहीं है, तो अपना क्या बोलते हैं बदौलिया चौक से 20-10 मिनट घाट की तरफ आओ, लगभग 7 से 7:30 के बीच आपको इतनी भीड़ देखने के लिए मिलेगी ना, आपको लगेगा क्या हो गया। क्योंकि यहाँ बहुत अराउंड बहुत लाखों लोग दशाश्वमेध घाट की आरती देखने आते हैं। और ये मुझे लगभग 2 से 2.5 घंटे तक वेट करना पड़ा था दशाश्वमेध घाट पे आरती देखने के लिए। मैं नहीं, बहुत से लोग थे जिन्होंने इंतज़ार किया। और देख पा रहे हो आप पीछे कितनी भीड़ है, और लोग नाव पे बैठने का कॉस्ट होता 50 रुपीज़, और आपको ना 200 रुपीज़ वो लोग लेते हैं। वो आपको घाट्स भी घुमाएंगे, और 1 आवर जो आपको गंगा आरती के दर्शन भी करवाएंगे। तो ये आपका कॉल होगा कि आपने देखना है कि नहीं। बाकी आपने यहाँ जो देख सकते हो, यहाँ बैठ के भी देख सकते हो, और जहाँ मैं बैठा था वहाँ भी, क्योंकि ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि घाट तो आप 100 रुपीज़ में देख लोगे, ठीक है, और 100 रुपीज़ तो आप सेव कर सकते हो यहाँ कहीं बैठ के, ठीक है। बस आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। आरती के दौरान ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, और एक वीडियो के माध्यम में से भी हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप भी वो एहसास ले सकें। तो आरती के जस्ट पहले यहाँ कुछ लोग होते हैं, आई थिंक रजिस्ट्रेशन कराया होता है, क्या होता है मुझे भी नहीं पता, शायद VIP होंगे, वो खुद आरती करते हैं। देख सकते हो हर एक पंडित जी के साथ लगभग 7 पंडित जी होते हैं। और तक होते हैं लोग। तो आरती ख़त्म हो चुकी थी, और अब हमने अपना डिनर लिया, जो कि 80 रुपीज़ का प्लेट था, तो आप भी ले सकते हो, ठीक है। तो बस आज की ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। खाना खाने के बाद मैं फिर से गया था घाट पे, ठीक है। तो आज हमारा पहला दिन यहीं पे समाप्त होता है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।